किसानों के लिए बंद किए दिल्ली आने के रास्तों नूं हुण खोलिया जा रहा है। ताज़ा तस्वीरां एक बार मुड़ तो सिंघू बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर तो सामने आई ने, जिथे कि हुण आम लोगों के लिए सर्विस लाइन नूं खोलिया गया। तो लोगों ने भी काफ़ी राहत की सांह ली है, क्योंकि जेकर गल की जाए तो 13 फरवरी नूं किसानों के वल्लों दिल्ली कूच का ऐलान किया गया सी, पर उन्होंने शंभू बॉर्डर के उत्ते रोक लिया गया सी। पर सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए हरियाणा सरकार के वल्लों भी जो बॉर्डर सी दिल्ली के उन्होंने सील कर दिया गया सी, अते भारी बैरीकेडिंग जो है वह थां थां दे उत्ते की गई सी। पर जिथे किसानों शंभू बॉर्डर के उत्ते ही रोक लिया गया सी, पर लोगों को उत्थे ही दिल्ली अते हरियाणा दे विच आउण जाण लई काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा सी। ते हुण उन्होंने देखते हुए लोगों को एक वड्डी राहत दिती गई है, जिथे लोगों को कई कई घंटे तक घूम के अपने स्थान पर पहुँचना पैंदा सी, उत्थे ही हुण राहत भरी खबर यह सामने आई है कि दिल्ली के सिंघू अते कुंडली बॉर्डर के उत्ते सर्विस लाइन नूं खोल दिता गया ते आवाजाई नूं सुचारू रूप नाल जारी कर दिता गया। तो ताज़ा तस्वीरां जो तुहाडी स्क्रीन ते ने उह सिंघू बॉर्डर दियां ने, जिथे कि एक बार मुड़ तो रोड नूं खोल दिता गया, क्योंकि किसानां नूं जो है वह शंभू बॉर्डर के उत्ते ही रोकया गया ते आम लोगों के लिए इस सर्विस लाइन नूं खोल दिता गया, ता जो लोगों नूं किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पवे। जिथे इस रोड नूं खोलिया उत्थे ही लोगों ने भी राहत दी सांह ली है, क्योंकि उन्होंने कहना है कि जदों ये बैरीकेडिंग की गई सी तां कोई भी रास्ता नहीं सी छड्डिया गया, जिसके कारण लोगों नूं काफ़ी घूम के उपर दी आउणा पैंदा सी, जिस नाल किराया भी वध लगदा सी अते समा भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुंदा सी। पर जिथे प्रशासन के वल्लों ये वड्डा फैसला लिया गया, ये काफ़ी प्रशंसा योग है। आसानी लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहले कितना समय लगता था? पहले बहुत टाइम लगता था, घूम घाम के आना पड़ता था और पैदल आना पड़ता था। अब तो बाइक से भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, मतलब अच्छा लग रहा है, टाइम बच रहा है। डेली आते थे पहले? डेली सर, मेरी यहीं पास ही में जॉब है, लेकिन दिक्कत फिर भी होती थी, और दूर वालों को तो हमसे भी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब तो खुल गया, जाम तो लगा हुआ पर फिर भी पहले से काफ़ी राहत लग रहा है, रिलैक्स है, बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? अजय नाम है मेरा सर। कहाँ से आते थे आप? सर मैं नरेला से आता था, लेकिन नरेले से आने में 2-3 घंटे खराब हो जाते थे। हाँ जी, क्योंकि बीच में जाम, कई बार नरेले के बीच वाले रोड पे भी जाम लगता है और यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा जाम लगता था, और थोड़ी स्पेस कम होने की वजह से धीरे धीरे लोग आते थे इस वजह से। किसानों के लिए बंद किए दिल्ली आने के रास्तों हुण खोलिया जा रहा है। ताज़ा तस्वीरां एक बार मुड़ तो सिंघू बॉर्डर और कुंडली बॉर्डर तो सामने आई ने, जिथे कि हुण आम लोगों के लिए सर्विस लाइन नूं खोलिया गया। तो लोगों ने भी काफ़ी राहत दी सांह ली है, क्योंकि जेकर गल की जाए तो 13 फरवरी नूं किसानों के वल्लों दिल्ली कूच का ऐलान किया गया सी, पर उन्होंने शंभू बॉर्डर के उत्ते रोक लिया गया सी। पर सुरक्षा के मद्देनज़र देखते हुए हरियाणा सरकार के वल्लों भी जो बॉर्डर सी दिल्ली के उन्होंने सील कर दिया गया सी, अते भारी बैरीकेडिंग जो है वह थां थां दे उत्ते की गई सी। पर जिथे किसानों नूं शंभू बॉर्डर के उत्ते ही रोक लिया गया सी, पर लोगों नूं उत्थे ही दिल्ली अते हरियाणा दे विच आउण जाण लई काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा सी। ते हुण उन्होंने देखते हुए लोगों नूं एक वड्डी राहत दिती गई है, जिथे लोगों नूं कई कई घंटे तक घूम के अपने स्थान पर पहुँचना पैंदा सी, उत्थे ही हुण राहत भरी खबर यह सामने आई है कि दिल्ली के सिंघू अते कुंडली बॉर्डर के उत्ते सर्विस लाइन नूं खोल दिता गया ते आवाजाई नूं सुचारू रूप नाल जारी कर दिता गया। तो ताज़ा तस्वीरां जो तुहाडी स्क्रीन ते ने उह सिंघू बॉर्डर दियां ने, जिथे कि एक बार मुड़ तो रोड नूं खोल दिता गया, क्योंकि किसानों नूं जो है वह शंभू बॉर्डर के उत्ते ही रोकया गया ते आम लोगों के लिए इस सर्विस लाइन नूं खोल दिता गया, ता जो लोगों नूं किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पवे। जिथे इस रोड नूं खोलिया उत्थे ही लोगों ने भी राहत दी सांह ली है, क्योंकि उन्होंने कहना है कि जदों ये बैरीकेडिंग की गई सी तां कोई भी रास्ता नहीं सी छड्डिया गया, जिसके कारण लोगों को काफ़ी घूम के उपर दी आउणा पैंदा सी, जिस नाल किराया भी वध लगदा सी अते समा भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुंदा सी। पर जिथे प्रशासन के वल्लों ये वड्डा फैसला लिया गया, ये काफ़ी प्रशंसा योग है। आसानी लग रही, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पहले कितना समय लगता था? पहले बहुत टाइम लगता था, घूम घाम के आना पड़ता था और पैदल आना पड़ता था। अब तो बाइक से भी आ सकते हैं, पैदल भी आ सकते हैं, मतलब अच्छा लग रहा है, टाइम बच रहा है। डेली आते थे पहले? डेली सर, मेरी यहीं पास ही में जॉब है, लेकिन दिक्कत फिर भी होती थी, और दूर वालों को तो हमसे भी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब तो खुल गया, जाम तो लगा हुआ पर फिर भी पहले से काफ़ी राहत लग रहा है, रिलैक्स है, बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? अजय नाम है मेरा सर। कहाँ से आते थे आप? सर मैं नरेला से आता था, लेकिन नरेले से आने में 2-3 घंटे खराब हो जाते थे। हाँ जी, क्योंकि बीच में जाम, कई बार नरेले के बीच वाले रोड पे भी जाम लगता है,
और यहाँ पे बीच में बहुत ज़्यादा जाम लगता था, और थोड़ी स्पेस कम होने की वजह से धीरे धीरे लोग आते थे इस वजह से।